हे गाइस नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई विश सो हेल्दी हैप्पी एंड सेफ है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो, ये चेहरा पहली बार देख रहे हो, हाय माय नेम इज स्वाति। थैंक यू सो मच इस वीडियो पे क्लिक करने के लिए। आई होप आपको ये पसंद आएगा। सो इफ यू लाइक इट गिव इट अ बिग फैट थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिलो। ओके, तो ये सिर्फ मेरा कलेक्शन नहीं है, इसमें बहुत सारे इयररिंग्स दीदी के हैं। दीदी को एक टाइम पे बहुत ज़्यादा शौक़ था इयररिंग्स का और मैं ज्वेलरी में उतनी ज़्यादा नहीं थी, बट अब जैसे जैसे मैं इंडियन पहनने लगी हूँ तो मुझे भी इयररिंग्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आई हैव दिस टू डब्बास, वन इज़ दिस एंड अभी मैंने कुछ इयररिंग्स इसमें लगा रखे हैं। सो ये तो दोनों में डिफरेंट डिफरेंट हैं, लाइक एक में शादी के टाइप्स के हैं और एक में नॉर्मल हैं। तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इयररिंग है जो कि मैंने पहना हुआ है ऑलरेडी, तो आई लव दिस इयररिंग। और ये काफ़ी सस्ते थे, ये मैंने आई गेस इस्तेमाल लगता है हमारे यहाँ पर, तो वहाँ से मैंने ये लिया था और शायद ये 50, 60 या 30, 40 के समथिंग थे। लेकिन ये बहुत प्यारे हैं एंड ये बहुत अच्छा लुक देते हैं आपके किसी भी इंडियन आउटफिट पे। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज़ ऑल्सो माई फेवरेट एंड ये इयररिंग्स मेरे काफ़ी ज़्यादा सारे लोगों को ऑलमोस्ट पसंद है। ये बहुत ही प्यारे स्काई ब्लू से कलर में हैं एंड तीजा के लिए मैं अपना आउटफिट फाइंड कर रही थी दीदी के यहाँ पर, तो वहाँ पे एक नॉर्मल एक सेल टाइप का लगा हुआ था और हम ऐसे सडनली वहाँ पे ऐसे घुसे अचानक से एंड वहाँ पे हमने ये फाइंड किए और इसको मैंने उस आउटफिट के साथ मैच किया। काफ़ी टाइम मैंने इसको पहना है और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया ये इयररिंग्स। बहुत सारे लोगों को पसंद करते हैं इस इयररिंग्स को, तो ये मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ जो कि आपने मुझे अभी दीदी की वेडिंग पे पहने हुए देखा है, ये काफ़ी बड़े हैं। इतने बड़े इयररिंग्स मैं नहीं पहनती थी, मैंने दीदी की वेडिंग में ही पहना। सो इसको मैंने दीदी के वेडिंग के दिन लहंगे पे कैरी किया था। सो ये कुछ चांद बाली टाइप का है और मेरा चांद बाली काफ़ी टाइम से पहनने का मन था, तो ये बहुत बड़े हैं लेकिन बहुत अच्छे लगते हैं। आप इसको लहंगे पे, सूट पे, प्लेन सूट पे भी कैरी कर सकते हो और इसमें नीचे ये पर्ल लगे हुए हैं तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये पूरे सेट के साथ है तो इसके साथ ही ऐसी ये मात बिंदी भी है चांद बाली जैसा, लेकिन ये काफ़ी बड़ी है लेकिन अच्छी लगती है आपके आउटफिट के साथ। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज़ अगेन माई फेवरेट। एक्चुअली जितने भी इयरिंग्स हैं वो मेरे फेवरेट ही हैं। तो ये मैंने अपने ड्रेस के लिए लिया था एक दीदी की वेडिंग पे, तो ये पिंक कलर के हैं, पिंक एंड गोल्डन एंड इसमें नीचे छोटे छोटे से मोती लगे हैं जो कि बहुत ही प्यारे लगते हैं एंड इसे राउंड सा है, एक फ्लावर बना हुआ है, काफ़ी सोबर और काफ़ी प्यारा लुक देता है और ज़्यादा बड़े भी नहीं है, लगते हैं आपके कानों पे, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये मैंने यहीं से लोकल शॉप से लिया था, आई गेस ये 100-150 के अंडर था लोकल शॉप पे, तो आई लव दिस। इसका कलर मुझे बहुत पसंद है। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज़ ये भी मैंने दीदी की वेडिंग में ही लिया था और ये काफ़ी बड़े हैं और इसका शेप जो है वो काफ़ी डिफरेंट है। ऐसे शेप के इयररिंग्स इससे पहले मैंने कभी नहीं पहने हैं, तो आई हैव दीज। और ये मैंने दीदी के हल्दी और माता पूजन में पहना था, इफ़ यू रिमेम्बर। सो इसका शेप जो है वो ऐसे त्रिकोण टाइप का है, एक्चुअली त्रिकोण भी नहीं है और इसमें भी नीचे पर्ल्स हैं। तो ये इस टाइप के जो इयररिंग्स होते हैं ना, ये आपके इंडियन आउटफिट के साथ, आपके वेडिंग आउटफिट के साथ, साड़ी के साथ, अगर आपको शिमरी पहन रहे हो तो उसके साथ काफ़ी अच्छे तरीके से जाते हैं। और ये हमें पड़ा था 150 का और सेम इसके साथ भी एक मात बिंदी है और ये हमने लिया था चौक मार्केट से। सो काफ़ी अच्छी डील थी और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये। इसको पेयर करो अगर किसी भी सूट के साथ, किसी भी लहंगे के साथ, तो अच्छा लगता है। एक गोल्डन इयररिंग, गोल्डन ज्वेलरी तो आपके पास होनी ही चाहिए। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज़ दिस। और ये एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चले थे, बहुत ज़्यादा चले थे ये। इसमें ऐसे तीन लड़ हैं एंड काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद है, ये बहुत अच्छा लुक देता है। तो ये मैंने एक वेडिंग के लिए ही लिया था जब हमने, आई गेस मैंने अपनी सिस्टर की वेडिंग अटेंड की थी, एक और सिस्टर की, तो उसमें मैंने ये लिया था और मैंने ये पहना था। ये काफ़ी प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छा लुक देते हैं। अगर आप लहंगा वगैरह पहन रहे हो, इंडियन साड़ी वगैरह पहन रहे हो, तो बहुत प्यारा लुक देते हैं। सो आई लव दिस। सो द नेक्स्ट वन इज़ इन दिस मरून कलर और ये थोड़े पुराने हो गए हैं, बट इसको मैंने बहुत कम पहना है, बट अब मुझे याद भी नहीं है मैंने कब लिया था और कहाँ से लिया था, बट आई लव दिस। ओके, तो अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट डिब्बे की तरफ। सो इसमें काफ़ी ज़्यादा दीदी के ही इयररिंग्स हैं एंड
दिस इज़ द एयरिंग्स जो बिल्कुल न्यू है और अभी तक हमने पहने भी नहीं है। ये मैंने एक्चुअली एक गाउन के लिए लिया था और वो गाउन मैं दीदी की वेडिंग में पहनने वाली थी किसी एक फंक्शन में, बट अनफॉर्चुनेटली वो गाउन कैंसिल हो गया पहनना। तो लेकिन ये एयरिंग्स बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, लुक एट दैट कलर। इसको आप वेस्टर्न आउटफिट के साथ, इंडियन आउटफिट के साथ भी कैरी कर सकते हो, काफ़ी मल्टीपर्पज़ आप इसको यूज़ कर सकते हो। और इस पर जो पर्ल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये। ओके नाउ इसे मैं यहाँ रख लेती हूँ। देन आई हैव दिस बाली सॉर्ट ऑफ इयररिंग्स एंड आई लव दिस। इसका जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। अगर आपने कोई प्लेन सा भी पहना हुआ, लाइट पिंक कलर का भी पहना हुआ, उसमें थोड़ा सा भी पिंक और आप उसके साथ इसको पेयर करते हो तो बहुत सुंदर लगते हैं। ये मैंने अपने फेयरवेल के टाइम पे लिया था एक साड़ी के लिए, जिसमें बहुत ही कम पिंक था एंड उस पर मैंने इसको पेयर किया था एंड मुझे ये बहुत पसंद है। सो द नेक्स्ट वन इज़ ये दीदी की इयररिंग्स हैं और इसका पूरा सेट है, जो कि आपने मुझे इससे पहले, मैंने कोई वीडियो डाला था जिसमें मैंने इसको पहना था, उसके गले का पहना था। और ये रहे वो इयररिंग्स, ये सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी में है एंड नीचे इसमें मल्टी कलर है। तो आप कोई भी अगर आउटफिट पहन रहे हो, कोई भी प्लेन आउटफिट पहन रहे हो, तो आप इसको उसके साथ पेयर कर सकते हो। और ऑक्सीडाइज ज्वेलरी जो है वो किसी भी आउटफिट के साथ अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करती है, तो आप इसको स्टाइल कर सकते हो। नेक्स्ट आई हैव अगेन ऑक्सीडाइज टाइप ज्वेलरी इयररिंग्स। सो दिस इयररिंग्स आई हैव, द नेक्स्ट वन आई हैव ये दीदी के, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आपने किसी वीडियो में मुझे इसे पहने भी देखा होगा। आई लव दिस, सी इसमें जो नीचे छोटे छोटे से घुंघरू लगे हुए हैं, आई लव दिस। और ये काफ़ी अच्छे लगते हैं अगर आपने बहुत ही प्लेन सा कुर्ता पहना हुआ है, तो आप इसको कैरी कर सकते हो। आई लव दिस। नेक्स्ट वन आई हैव दिस, और ये बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने हैं गाइस। ये जब शुरू शुरू में चले थे, इसके साथ ये ऐसे पीछे एक और लड़ है जिसको आप इसमें फंसा सकते हो। वेट आई विल शो यू, इसको आपको ऐसे फंसाना है और आप इसको फिर ऐसे करके पीछे अपने जूड़े में या जो भी आप हेयर स्टाइल बना रहे हो उसमें लगा सकते हो। एक टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा चले थे और ये लहंगे पे, साड़ियों पे काफ़ी अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो नेक्स्ट आई हैव दीज। ओके नेक्स्ट वन इज़ दिस मल्टी कलर गोल्डन में, फेडिश गोल्डन है ये। एंड इसी टाइप का एक और है, ये दोनों दीदी के ही इयररिंग्स हैं और इसको अभी तक मैंने किसी भी आउटफिट के साथ पेयर नहीं किया है। द नेक्स्ट वन आई हैव छोटे से इयररिंग्स हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बट आई लव दीज। सी ये आप इंडियन के साथ, वेस्टर्न के साथ, किसी के साथ भी कैरी कर सकते हो और ये बहुत प्यारा लुक देते हैं। ये आप साड़ी पे भी पहन सकते हो एंड सो ब्यूटिफुल। द नेक्स्ट वन आई हैव दिस झुमकी वाइट कलर की, और ये शायद इस आउटफिट के साथ भी जाता। सो ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है मुझे, बहुत ही अच्छा लुक देती है और नीचे इसके जो मोती है वो बहुत सुंदर लगते हैं। नेक्स्ट आई हैव दिस रेड इयररिंग्स, और ये मैंने जो गाउन पहना था दीदी के इंगेजमेंट के दिन, उसके लिए, उस गाउन के लिए मैंने लिया था, क्योंकि उस गाउन का जो लुक है वो मैं बहुत ही एलिगेंट रखना चाहती थी, तो उसके लिए मैंने बहुत छोटे छोटे से इयररिंग्स लिए थे। और ये क्योंकि उसमें रेड कलर के रोजेस बने हुए हैं। सो या द नेक्स्ट आई हैव दिस प्यारी सी बाली वाली झुमकी, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मैं टॉप में भी कैरी करती हूँ और अगर मैंने कुर्ता पहना हुआ है तो भी मैं कैरी करती हूँ, सबके साथ ये जाता है। और ये मुझे गिफ्ट की थी मेरी फ्रेंड ज्योति ने, जिसको आपने फूड चैलेंज वाले व्लॉग में देखा होगा, तो उसने मुझे ये गिफ्ट किया था एंड आई लव दिस। नेक्स्ट आई हैव ये दीदी के इयररिंग्स हैं और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये ऐसे बाली टाइप के हैं और नीचे यहाँ पे पूरा ऐसे स्टोन का काम है और ये बहुत प्यारे लगते हैं पहनने के बाद। ओके
नेक्स्ट आई हैव दिस मोर पंख वाले इयररिंग्स और ये बहुत पुराने हैं गाइज, ये बहुत ज़्यादा पुराने हैं बट आई लव दिस। इसके अलावा गाइज बहुत छोटे छोटे से भी इयररिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा टाइनी टाइनी भी इयररिंग्स हैं। ये मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट करके बताए हैं जितने भी इयररिंग्स, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती। बट आई होप आपको ये कलेक्शन जो है मेरा वो पसंद आया होगा। अगर इसके अलावा जो मेरी ज्वेलरी है अगर आप लोग चाहोगे तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट आई होप यू लाइक दिस वीडियो। If you like it, give it a big fat thumbs up and subscribe to my channel below. And आप मुझे बताइएगा कि आपको कौन सा इयरिंग सबसे ज़्यादा पसंद आया। सो मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने आसपास वालों का ख्याल रखें एंड खुश रहें। एंड आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।